देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है log x की पावर x, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू log x की पावर x और प्लस x की पावर log x, x की पावर log x। सेम देखो यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं और दोनों फंक्शन किस में हैं, नहीं दोनों फंक्शन जो है हमारा किस में पावर की पावर, सॉरी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है इसमें, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसलिए, और प्लस दोनों फंक्शन किस में प्लस में है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसमें लॉग ले लॉग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, वाई इज इक्वल्स टू वी प्लस यू, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, यू एंड वी का जो है अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। जहां वी क्या है, वी इज इक्वल्स टू है लॉग एक्स की पावर एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखो लॉग v इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की पावर x, लॉग x की पावर x, तो क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाए d अपॉन डी एक्स लॉग v इज इक्वल्स टू डी अपॉन, सॉरी यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लिख दिया, ये लॉग आएगा, ठीक ना, d अपॉन डी एक्स, देखो पावर आगे जाएगा, तो पावर आगे जाएगा तो क्या आएगा, x log log x लिखेंगे, x log log x, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो क्या होगा, ये 1 बाय v dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करो, log log x को ऐसे रख दो, log log x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है ना, प्लस x ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, log का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाय log x, और फिर log x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएट फिर 1 बाय x, जनरल यूज करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dv अपॉन dx क्या जाएगा, dv अपॉन dx v का तो मल्टीप्लाई जाएगा, क्या जाएगा log log x प्लस 1 बाय log x, ठीक है, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, तो क्या जाएगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पे ना एलसीएम ले लेना, इसके बट्टे में क्या ले लो 1, तो क्या जाएगा लॉग का इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस 1 बटे लॉग एक्स, क्लियर है। अब देखो लॉग एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स की पावर एक्स डिवाइड में, इसकी पावर कितना है 1 है, इसकी पावर कितना है 1, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होता है, डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस, तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा log x x माइनस 1 log x इंटू log log x प्लस 1, क्लियर है, ये हो गया dv अपॉन dx, ऐसे क्या हो जाएगा, तथा u u बराबर क्या है x की पावर log x, log ले लो किसको, हाँ यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक छोड़ दोगे, ये एलसीएम ना लेके v का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक, यहाँ पे log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या जाएगा log u इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, बात नहीं log x की पावर log x, x आगे log x आगे जाएगा तो log x इंटू log x, log x इंटू log x, log u डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट लिख दो, चलो du अपॉन dx log u इज इक्वल्स टू d अपॉन
डी एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, दो टर्म्स है ना, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्या जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पावर आके पावर एक माइनस, पावर आके पावर एक माइनस, और क्या जाएगा फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा वन बाय एक्स, क्या जाएगा वन बाय एक्स, तो यह हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, यू का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यू का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर लॉग एक्स है, एक्स की पावर लॉग एक्स है इंटू टू लॉग एक्स बाय एक्स, एक्स यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ पे लॉग एक्स, एक्स की पावर लॉग एक्स है, तो पावर क्या जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन और टू इंटू लॉग एक्स, ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से वैल्यू किस में पुटिंग कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिख देना समीकरण एक से, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस वन, ये जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस वन प्लस डी यू अपॉन डी एक्स क्या है टू लॉग सॉरी एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स, ठीक है क्लियर है, नोट करो है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इस चैप्टर में क्योंकि हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इजी है, क्या कह रहे हैं।